नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली लॉन्च्ड टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V के बारे में। दोस्तों टीवीएस ने अपाचे आरटीआर 204V के न्यू मॉडल को इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च कर दिया है और इस बाइक के अंदर काफी सारे एक्साइटिंग न्यू फीचर्स हैं। दोस्तों टीवीएस ने इस बाइक के अंदर फर्स्ट इन सेगमेंट जैसे फीचर्स दिए हैं और इस बाइक के ऊपर एक फ्लैगशिप काम किया है जो आपको 200cc सेगमेंट की बाइक्स में देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 न्यू फीचर्स के बारे में जो आपको टीवीएस के अपाचे आरटीआर 204V के न्यू मॉडल में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों ये सभी फीचर्स आरटीआर 204V BS6 के ओल्ड वेरिएंट में नहीं थे, लेकिन टीवीएस ने ये 7 न्यू फीचर्स 204V BS6 के न्यू मॉडल के अंदर दिए हैं। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका किसी भी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अपाचे आरटीआर 204V BS6 ओल्ड वेरिएंट और आरटीआर 204V BS6 न्यू वेरिएंट, इन दोनों बाइक्स के कंपैरिजन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन के बारे में। दोनों बाइक्स के अंदर वही सेम इंजन है जो 197.75cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट 4-वाल्व वाला इंजन है। लेकिन दोस्तों BS6 ओल्ड वेरिएंट की मैक्सिमम पावर थी 20.5 PS, मैक्सिमम टॉर्क था 16.8 Nm, लेकिन BS6 न्यू वेरिएंट की मैक्सिमम पावर है 20.82 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 17.25 Nm। सो दोस्तों न्यू वेरिएंट की पावर और टॉर्क आउटपुट पॉइंट्स में इंक्रीज हो गई है। BS4 वेरिएंट से BS6 वेरिएंट में अपग्रेड करने के बाद इस बाइक की पावर और टॉर्क आउटपुट पॉइंट्स में डिक्रीज हो गई थी, लेकिन अभी TVS ने काफी अच्छा काम किया है और फिर से इस बाइक के आउटपुट फिगर्स को पॉइंट्स में इंक्रीज कर दिया है। सो दोस्तों अपाचे आरटीआर 204V BS6 के न्यू मॉडल में आपको पावर और टॉर्क आउटपुट थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी। और दोस्तों TVS ये भी क्लेम करती है कि ये बाइक 0 to 60 km/h की स्पीड को 3.9 सेकंड में ही अचीव कर लेती है और 0 to 100 km/h की स्पीड को 12.7 सेकंड में अचीव कर लेती है। सो दोस्तों ये था सबसे पहला चेंज जो TVS ने इस बाइक की पावर और टॉर्क आउटपुट में किया है। अब हम बात करते हैं सेकंड चेंज के बारे में। दोस्तों सेकंड चेंज ये है कि इस बाइक के न्यू मॉडल में आपको डिफरेंट राइडिंग मोड्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों जैसे कि TVS की अपाचे RR 310 के अंदर स्पोर्ट्स, अर्बन और रेन मोड, ये 3 मोड्स हैं। सो ये सभी मोड्स आपको अभी RTR 204V में भी मिलेंगे। दोस्तों स्पोर्ट्स मोड में फुल पावर मिलती है और फुल टॉप स्पीड देखने को मिलती है। अर्बन और रेन इन दोनों मोड्स के अंदर लो पावर आउटपुट मिलती है और लो टॉप स्पीड मिलती है। सो ये है सेकंड चेंज जो TVS ने इस बाइक के अंदर किया है। अभी इस बाइक के अंदर राइडिंग मोड्स हैं। थर्ड चेंज के बारे में अगर बात करें तो TVS ने इस बाइक के अंदर फ्रंट सस्पेंशन को अपग्रेड किया है। दोस्तों BS6 ओल्ड वेरिएंट में आपको कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन न्यू वेरिएंट में आपको प्री लोड एडजस्टेबल कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो दोस्तों ये वही सेम शोवा के फ्रंट फोक्स हैं, लेकिन अभी हम फ्रंट सस्पेंशन को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। दोस्तों फोर्थ चेंज है इस बाइक के वेट में। BS6 ओल्ड वेरिएंट का वेट है 153 kg और BS6 न्यू वेरिएंट का वेट है 152 kg। सो इस बाइक का न्यू वेरिएंट 1 kg लाइटर है, जिसकी वजह से इस बाइक का पावर टू वेट रेशियो थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा। दोस्तों इस बाइक की सीट हाइट वही सेम है 800 mm और फ्यूल कैपेसिटी भी वही सेम है जो है 12 L की। लेकिन दोस्तों प्री लोड एडजस्टेबल सस्पेंशन एक प्रीमियम फीचर है जो आपको 300cc से लेके 400cc सेगमेंट की बाइक्स में भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन TVS ने एक काफी अच्छा फ्लैगशिप काम किया है। 200cc सेगमेंट की बाइक के अंदर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल रही है। सो दोस्तों ये एक फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है और अभी इस बाइक की पावर और टॉर्क आउटपुट फिगर्स भी पहले से बढ़ गई हैं और साथ ही इस बाइक के अंदर राइडिंग मोड्स भी हैं। तो दोस्तों इस बाइक की परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी और ये बाइक पहले से ज्यादा स्पोर्टी होने वाली है। सो दोस्तों इन सभी अपग्रेडेड फीचर्स की वजह से अभी हम ये कह सकते हैं कि अपाचे आरटीआर 204V एक बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स वाली बाइक है, क्योंकि दोस्तों ऐसे फीचर्स आपको किसी भी 200cc सेगमेंट की बाइक में देखने को नहीं मिलते। दोस्तों फिफ्थ चेंज के बारे में अगर बात करें तो TVS ने इस बाइक के न्यू वेरिएंट के अंदर न्यू मैट ब्लू कलर दिया है जो पहले BS6 ओल्ड वेरिएंट के अंदर नहीं था। और दोस्तों इसके अंदर ड्यूअल टोन कलर की स्कीम है जिसके अंदर मैट ब्लू और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। लेकिन दोस्तों इस बाइक के बाकी फीचर्स वही सेम हैं, बाकी फीचर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोस्तों सिक्स डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो ये है इस बाइक के प्राइस में। अपाचे आरटीआर 204V ड्यूअल चैनल ABS BS6 ओल्ड वेरिएंट का प्राइस है 1,30,000 और न्यू वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,31,000। तो न्यू वेरिएंट के लिए आपको 1,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अभी BS6 ड्यूअल चैनल ABS का एक शोरूम प्राइस है 1,31,000। दोस्तों बाकी सभी फीचर्स इस बाइक के अंदर वही सेम है, जो कि फ्रंट में LED हेडलाइट है, LED टेल लाइट है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जो कि ब्लूटूथ एनेबल्ड और नेविगेशन सिस्टम वाला कंसोल है, जिसके अंदर काफी सारे अच्छे फीचर्स हैं। और दोस्तों इस बाइक के अंदर वही सेम स्लीपर क्लच है, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक फीचर भी है। दोस्तों सेवंथ चेंज के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के न्यू वेरिएंट के अंदर
एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर है और ये भी एक फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है। ब्रेक और क्लच लीवर को हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सो दोस्तों अभी TVS की तरफ से अपाचे RTR 200 4V एक बेस्ट इन क्लास फीचर्स वाली बाइक है और ये सभी प्रीमियम कंपोनेंट्स आपको किसी भी 200cc सेगमेंट की बाइक में देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी दोस्तों इस बाइक के अंदर वही सेम 270mm की फ्रंट डिस्क है, 240mm की रियर डिस्क है। इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS का भी ऑप्शन मिलता है और ड्यूअल चैनल ABS का भी ऑप्शन मिलता है। सो दोस्तों आज की वीडियो थी TVS अपाचे RTR 200 4V के न्यू वेरिएंट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।